गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द टी एस एन स्कूल. नाउ विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4, विपिन चौधरीज मेमोरी. उसके अंदर लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे विपिन बाबू को अपनी मेमोरी याद नहीं आ रही रांची ट्रिप के बारे में. वो काफ़ी कन्फ्यूज है इस चीज़ को लेकर और काफ़ी लोगों से पूछते भी हैं. तो फाइनली उनके एक फ्रेंड घर पे आते हैं चुन्नीलाल, उनसे भी वो डिस्कस करते हैं उसके बारे में. तो चुन्नीलाल कहते हैं अच्छा 58 की तुम बात कर रहे हो. तो वो उनको कुछ याद दिलाने की फिर से कोशिश करते हैं. नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी. डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉट इट ऑल? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? जो चुन्नीलाल है वो काफ़ी मतलब शॉक्ड होके और काफ़ी मतलब एकदम आश्चर्यचकित होके उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मतलब कुछ भी याद नहीं है, तुम ऐसा कैसे भूल सकते हो? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेट विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न. I know that old friendships don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten or about the Ranchi trip. चुन्नी बैठते हैं उनके पास और कहते हैं कि विपिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं कुछ ड्रग्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं ले रहे हो जिससे तुम्हारी मेमोरी मतलब लॉस होती जा रही है, क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और तुम तो हमेशा हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हो, तुम्हें हर चीज़ याद भी रहती है. चलो माना तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप इतनी ज़रूरी नहीं है, मतलब तुम मेरी फ्रेंड मतलब मेरी दोस्ती को इतना याद नहीं रख सकते होंगे, मगर तुम उस ट्रिप के बारे में कैसे भूल गए? मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा भूल जाओ. तो ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में भूल चुके हो? विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इंटीग्रियस स्टेयर. डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नीलाल विपिन बाबू इस चीज़ को देखकर काफ़ी थोड़ा सा मतलब ऐसे अजीब सा फील करने लगे कि इसको भी याद है बट मुझे याद नहीं है, ऐसा क्या कैसे हो सकता है. तो इतने में चुन्नीलाल ने पूछा कि विपिन तुम्हें क्या पता है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? उससे चुन्नीलाल ने विपिन बाबू से पूछा. ऑफकोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी. विपिन बाबू ने बड़े आराम से जवाब दिया, हाँ मुझे याद है तुम ट्रैवल एजेंसी के अंदर काम किया करते थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. अच्छा चुन्नीलाल कहते हैं अच्छा तुम्हें ये तो याद है बट तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारे लिए टिकट बुक करवाया था रांची ट्रिप के लिए. आई वॉन्ट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. मैं तुम्हें स्टेशन तक भी छोड़ने आया था. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट. हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग? वो कहते हैं कि मैं तुम्हें स्टेशन सी ऑफ भी करने आया था, मीन्स तुम्हें वहाँ तक छोड़ने भी आया था, और उसके बाद तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन नहीं ढंग से चल रहा था, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को भिजवा कर वो फ़ैन भी सही करवाया था. क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? चुन्नीलाल ने विपिन बाबू से पूछा. वट एवर इज द मैटर विथ यू? यू डोंट लुक टू वेल यू नो. तो उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सब कुछ मतलब तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों भूलते जा रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है. विपिन बाबू शाय एंड शुक हिज हेड. विपिन बाबू थोड़ा सा शर्मा भी गए और थोड़ा सा ऐसे घबराहट के कारण वो नीचे ऐसे सर देख मतलब अपना सर उन्होंने नीचे कर लिया. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सैड एट लास्ट. That must be that the reason must see about consulting a specialist. तो उन्होंने खुद ने सोचा कि शायद मैं ज़्यादा वर्कलोड है मेरे ऊपर या ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है कि मैं ये चीज़ें भूल रहा हूँ. तो मैं काम करता हूँ, मैं स्पेशलिस्ट से मिलता हूँ, मीन्स डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ. Doubtless it was Bipin's conditions which made चुन्नीलाल leave without mentioning anything about a job. परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज. ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स. लुक डॉक्टर चंदा सैड विपिन बाबू डिस्पेरेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ हिज हॉरिबल इलनेस. आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क.
इतनी सब बात करके चुन्नीलाल वहाँ से चले जाते हैं। और इतने में डॉक्टर जो परेश चंदा है, वो फिजिशियन है, वो डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो जब वहाँ आते हैं तो वो काफ़ी दिखने में मतलब शार्प, उनकी ब्राइट आईज़ है, शार्प नोज, मतलब काफ़ी अच्छे से वो दिखते हैं। तो वो आकर जब विपिन बाबू से मिलते हैं तो विपिन बाबू के सारे सिम्टम्स को वो सुनते अच्छे से और देखते हैं। तो डॉक्टर चंदा से विपिन बाबू कहते हैं बड़े क्लियरली कि प्लीज़ ये जो डरावनी सी बीमारी मुझे हो गई है, जो इलनेस मुझे हो गई है, हॉरेबल मतलब बीमारी जो मुझे हो गई है, प्लीज़ इसका कुछ इलाज कीजिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, मीन्स ये मेरे काम को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान सा हो गया हूँ, तो प्लीज़ आप इसका अच्छे से कोई ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर चंदा शुक हिज हैड, यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, फ्रेंकली This is quite outside my field of experience, but I have an idea. I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. तो डॉक्टर चंदा काफ़ी बारी बातें चेकअप वेकअप करने के बाद उनका कहते हैं मिस्टर चौधरी से कि देखो मैं बड़ा फ्रेंकली आपसे कह रहा हूँ कि जो आपका केस जो है वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा है, मैंने ऐसा मतलब अपना एक्सपीरियंस मैंने कभी इस चीज़ का नहीं लिया है, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ एक सजेशन देना चाहता हूँ जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और शायद वो काम भी कर जाए, मीन्स आपकी शायद तबीयत उससे ठीक भी हो जाए और उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो विपिन बाबू कहते हैं, विपिन बाबू लेंट फॉरवर्ड एंड सिक्सली, और वो बड़े मतलब ना उत्सुकता के साथ या बड़े खुश होके वो बड़े पूछते हैं, एंड सिक्सली मीन्स होता है जो उत्सुकता के साथ में। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। तो डॉक्टर चंदा कहते हैं कि देखो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, एक मतलब तरीका बता रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, आप उसी ट्रिप पर वापस जाइए जहाँ पहले गए थे, मींस रांची अगर आप गए थे तो आप रांची का ट्रिप एक बार फिर से जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके दिमाग से वो चीज़ें बिल्कुल मतलब लैप्स हो जाती है, स्लिप आउट हो जाती है, तो अगर आप वहीं जाएंगे तो शायद आपको वो चीज़ वापस से याद आने लग जाए। What I suggest is that you go to Ranchi once again. वो कहते हैं कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप रांची वापस से जाइए। The sight of the place may you remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquility scare. Slip is initial for the symptoms will get more pronounced. वो कहते हैं कि ठीक है आप क्या कीजिए, वहाँ रांची फिर से जाइए, शायद आप साइट ऑफ द प्लेसेस मीन्स जब आप वहाँ के सारे प्लेसेस घूमेंगे, वो साइट घूमेंगे, तो शायद आपको सब कुछ याद आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसी जगह पर आप जगह वापस जाएंगे जहाँ पहले गए तो शायद आपको कुछ ना कुछ याद ज़रूर से आ जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको कुछ मतलब दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, मीन्स कुछ टेबलेट्स दे रहा हूँ, टॉनिक वगैरह दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा आपको नींद आ जाएगी, और नींद आना आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके दिमाग को आराम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उनसे रेस्ट भी मिलेगा आपको और उस ट्रिप पे आप जाइए ताकि आपको सब कुछ याद अच्छे से आ जाएगा। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और विपिन बाबू ने इस बात को काफ़ी अच्छे से समझा और इस चीज़ को उन्होंने अग्री भी किया कि सच में अगर मैं वहाँ शायद जाऊँगा तो मैं ठीक हो सकता हूँ। तो उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग फटाफट से सुबह ब्रेकफास्ट किया, अपने ऑफिस कॉल की और वहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए जो भी इंपॉर्टेंट काम थे, सारे ऑफिस में मतलब अपने ऑफिस में सारे जो भी इंपॉर्टेंट काम थे उनके बारे में सबको बता दिया, सबको मतलब ये बता दिया कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। और उन्होंने उसी शाम की अपना टिकट करा लिया रांची के लिए, मीन्स वो रांची जाने को रेडी हो गए। पार्ट फोर्थ, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। और उन्होंने शाम की ट्रेन से वो कहाँ आ गए, रांची आ गए, नेक्स्ट मॉर्निंग वो रांची पहुँच गए और वहाँ सुबह जब उतरे वो अपने स्टेशन पे पहुँच के उनको बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि वो वहाँ कभी पहले आए हैं, उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ वो पहले कभी भी नहीं आए हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।